Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am going to react on worst VFX in Bollywood ever by Triggered Insan. और इसके अंदर डेफिनेटली सीरियल से लेकर मूवी से लेकर सब कुछ सबके ऊपर रोस्ट होने वाला है, सबके ऊपर रिएक्शन होने वाला है. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इनसे मिलिए, ये है राजू. राजू एक इंट्रोवर्ट है, इसीलिए बचपन से बेचारा सिंगल रहा, सच्चे प्यार के लिए तड़पता रहा, लेकिन बेचारे की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी. लेकिन बहुत ही मिन्नतों और बहुत ही शिद्दत के बाद आज फाइनली राजू की अरेंज मैरिज हो गई है और अब राजू के सारे सपने पूरे होने वाले है. राजू अपनी सुहागरात पे अपनी दुल्हन का घूंघट उठा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी दुल्हन को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी दुल्हन देखते ही देखते स्केलेटन बन जाती है. ओ तेरी सुहागरात गॉन रॉन्ग. ओ भाई, इफ फटके चार होना हैड अ फेस देन दिस इज दैट फेस. पर बेचारे राजू ने सिर्फ सच्चा प्यार ही तो मांगा था, पर क्या मिला, सिर्फ बीटी. बीटी हो गई दुल्हन के नाम पे. ये ओवरसाइज जो ट्रिपल एक्सएल वीएफएक्स के नाम पे हग दिया गया, हड्डियों का ढांचा जो कि ऐसी आवाजें निकाल रहा है. मार दिया भाई, मार दिया राजू भाई को, मार दिया हड्डियों के ढांचे ने. पर ये हड्डियों का ढांचा ये आवाजें कैसे निकाल रहा है? ये, ये, ये. ये असली अकाउंट से आ रहे पुनीत सुपरस्टार. तो ये कमाल के आपने वीएफएक्स देखे. आज की वीडियो में हम और ऐसे वीएफएक्स देखने वाले हैं जिनको देख के यू विल बी लाइक व्हाट व्हाट द. सांप के इरादे ठीक नहीं तो इस बंदे को लपेट लिया है सांप ने. देखेगी देखेगा तो क्या करने वाला है साहब. स्नेक मूंछ मार रहा भाई उसको. तुम्हें पता है मेरे कमेंट्स में जरूर एक आधे से सिंगल अफसी होंगे जो बोलेंगे हाय हमसे अच्छी किस्मत तो इस आदमी की है, कम से कम सांप की सही पप्पी तो मिली किसी की. तुम हो ना वो 2 रुपए वाला टर्मिनेटर. तो हमारा नाग जानी दुश्मन का जो भागते भागते में बाइक बन गया है और भाई का चश्मा भी आ गया है. नेक्स्ट लेवल शिट ब्रो. और ये भाई ने बाइक का उड़ा दी. और भाई ने बाइक जो है इनसेन एकदम स्टंट मार के गाड़ी के सामने खड़ी कर दी है, बिल्कुल रियल लग रहा है. और एकदम उड़ के आया और मार दिया और फिर वापस इंसान बन के निकल भी लिया है. कुछ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जब इंसान नशा कर लेता है ना, उसके बाद उसको ऐसे चलचित्र नजर आते हैं. ऐसा मैंने सुना है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बस सुना है. तो चांदी दुश्मन के मेकर्स ने उस नशे की अवस्था में जो है इस फिल्म का क्रियाकर्म किया था. क्रियाकर्म निर्माण किया था. एक अच्छा होस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पब्लिक के हर सवाल का जवाब दूं. क्या बात है, हमारे इस शो में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा. अगर आप फिर भी मेरे रूबरू होकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बंदा हाजिर है. ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा. सबसे बड़ी बात पता क्या है, इसी सीन में अक्षय पाजी का एक डायलॉग है. What nonsense? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? आयरनी देख रहे हो जी, आयरनी हो रही है बहुत भयंकर. अच्छा मैट्रिक्स पार्ट 69. ओहो फुल एकदम फुल टू सीन कॉपी छाप रखा है मैट्रिक्स का पूरा वो भी गंदे वीएफएक्स के साथ. और अब ये गोली आर पार हो गई है उसके दिल के, अब क्या करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनेटर की भी कॉपी है. इस मूवी के मेकर्स वर लाइक हाइला टर्मिनेटर मैट्रिक्स, इसमें क्या नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स हो रहे हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा. एक काम करते हैं सबके थोड़े थोड़े सीन्स उठा के एक मूवी बना लेते हैं. बट ये तो काफी पुरानी मूवी है, 2002 की मूवी है. लेकिन अगली मूवी वो तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है. फंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश. तुम्हें कहां से लग रहा है कि ये जो है श्री राम जो है ये असुरों से लड़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स, जहां पे ये रावण सेना को इन्होंने ये क्या नाइट किंग की आर्मी बना दी है. सही में रावण, ये रावण है, ये क्या स्पाइक हेयर वाला भाई इमो रावण बना दिया. माना टिकटॉक का जमाना है पर टिकटॉकर रावण, मतलब
कुछ भी। रावण अभी टिकटॉक है बनाएगा क्या? What the actual is this? रावण तो पुष्पक विमान पे घुमा करता था, राइट? तो ये कौन सा, ये क्या पक्षी, ये ड्रैगन, ये क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन, वो भी इतने घटिया वीएफएक्स के साथ। 500 करोड़ की बनी है ये मूवी, एंड 500 करोड़ में ये इससे ज्यादा बढ़िया तो वो 2000 वाले टाइम पे रामायण आती थी, उसमें दिखा दिया था उन्होंने। तब तो वीएफएक्स होते भी नहीं थे इतने अच्छे। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट लोकी बहुत फनी है ये। और इस ट्रेलर का वर्स्ट पार्ट था जो इन्होंने वानर सेना और रावण सेना के वीएफएक्स करे हैं। ऐसा लगता है कोई कार्टून चल रहा है। सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ये बोलूंगा, बट बालवीर इज बेटर देन दिस। कितना कार्टून है चाहे यार। और ये रावण सेना के नाम पे ज़ॉम्बीज क्यों बना दिया इन्होंने? सही में यार, सही में। सोने की लंका गाइस, सोने की लंका, रावण की सोने की लंका। पर सोना है कहाँ, ये तो कोयले की लंका है, सोना कहाँ पे है? सीरियसली आदि पुरुष वीएफएक्स। थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे स्लो करूँ तो क्लियरली देख सकते हो कि वरुण धवन का पैर ट्रेन के ऊपर चिपका हुआ है, आर पार जा रहा है ट्रेन के। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि एक आज सीन में तो चलता है, इसके बाद ये द लेजेंडरी सीन जहाँ पे बच्चा जो है वो पटरी पे बैठा हुआ है, वरुण धवन ने देखा और ट्रेन से भी तेज, फ्लैश से भी तेज भागते हुए आया, और ये वरुण धवन ट्रेन के ऊपर से छलांग लगा, स्लो मोशन में ट्रेन चलते हुए आ रही है, और ये बच्चे को वरुण धवन ने उठाया और ट्रेन के सामने से उठा के लेकर कूद भी गया, और फिर भी ट्रेन उसको टच नहीं कर पाए। चुप कर कुत्ते। हीरो ट्रेन पे भाग के ट्रेन के आगे कूद के बच्चे को उठा के रोल रोल करके साइड भी निकल लिया, और इतनी देर में ट्रेन वही खड़ी थी। ट्रेन वॉज लाइक, हाँ हाँ कर लो भैया, आप ये कर लो, मेरा क्या। कामिनो शर्म करो की दे पदे तुम्हारा साच नाश हो। एक और नए जमाने का सीन देख लेते हैं जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह जो है वो गिरे पड़े हैं और कुछ ऊंट उनकी तरफ आ रहे हैं, उनको कुचलने वाले हैं। ओ माय गॉड, कितना रियल लग रहा है। अब क्या करेंगे जॉन भाई, जॉन भाई सारे ऊंटों के ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हे भगवान, ये और उनको बचा लिया है, क्या बात है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के वीएफएक्स। तो ये अगली मूवी है मैं प्रेम की दीवानी हूँ, अनदर कल्ट क्लासिक मूवी जिसमें बिना बात के स्पेशल इफेक्ट्स घुसाए गए थे, मतलब जरूरत भी नहीं थी, बस ऐसे ही डाल दिए। एक वीएफएक्स वाला कुत्ता जिसका पैरेट वगैरह लाल पीला नीला हरा हो जाता है। और एक VFX वाला तोता। तोता। चश्मे बदूर। जाने दुश्मन उसी टाइम पे रिलीज हुई थी जब मैं प्रेम की दीवानियों की शूटिंग चल रही थी, एंड मैं प्रेम की दीवानियों के मेकर्स ने जाने दुश्मन देखी एंड दे वर लाइक ओला VFX, भाई VFX का ही जमाना है, अपने को भी VFX अब डालना ही पड़ेगा। तो दे वर लाइक यार हमारी स्टोरी में कहीं पे VFX डाल तो सकती नहीं है, क्या करें, एक बेफालतू का कुत्ता VFX वाला, एक बेफालतू का तोता VFX वाला, ऐसे ही डाल देते हैं just to go with the trend, and they came up with this this shit. Okay, तो ये जो मैं तुम्हें next scene दिखाने वाला हूँ, ये मेरी बचपन की one of the favorite movie का है, ठीक है, बादशाह movie, शाहरुख सर की, like one of my favorite movie ever, full on comedy. लेकिन जब भी मैं ये movie देखता था ना, ये एक scene हमेशा मेरे दिमाग में रहता था, तो मैंने सोचा why not, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊँ. तो ये दीवार पे चिपकने वाले जूते हैं जिसको पहन के शाहरुख सर दीवार पे चढ़ रहे हैं, ठीक है. And the VFX. Nah. Regardless of this scene, ye movie Badshah was best. When she says, I like anime. Arigato gozaimasu. Yakusoku mite. Hiren godan kata. Hajime. Ich. Ni. Arigato. Ye Rudraksh naam ki ek कल्ट क्लासिक मूवी का सीन है जिसके वीएफएक्स आर जस्ट बेस्ट वीएफएक्स। चूहा, ये चूहा आवाज़ें क्या निकाल रहा है? नारुतो प्रो मैक्स प्लस प्लस, और यहाँ पे शुरिकेन फेंक रही है संजय बाबा की तरफ, और वो क्या डोज कर रहे ले है, ओ माय गॉड। ओ तेरी, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चढ़ रही ली है, ए बाबा क्या हो रहा है, और फिर गिर के मर गई। संजू बाबा ने शेट्टी अन्ना को फेंक दिया है कांच के आर पार। ये कौन सी मूवी है? ओ ये तो वैम्पायर निकली। अच्छा। खून चूस रही है बाबा का, बाबा ने उसको फेंक दिया
और फिर शेट्टी अन्ना कमाल के स्पेशल इफेक्ट के साथ आए और वो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और पीछे वो चार चिरांद जो है वो स्लो मोशन में नीचे गिर रहे हैं। इसके बाद संजू बाबा शेट्टी अन्ना और उस लड़की से लड़ाई करते हैं, उनको मार मूर भी देते हैं और फिर फाइनली जाके आधे घंटे के बाद वो चार चिरांद जो है वो फाइनली लैंड हो जाते हैं। सबसे पहले तुम लोग बोलो बॉलीवुड कुछ बुरे सीन्स पे ही बोलता है। हाँ भाई, अच्छे बुरे सीन हर जगह के है, बॉलीवुड में, साउथ इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में। अगर तुम चाहते हो मैं उनपे भी वीडियो बनाऊ तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक। मुझे लगा शायद सीरियल्स को भी इसके अंदर लिया जाएगा बट लिया नहीं है उनके लिए ऑलरेडी, शायद मुझे लग रहा है कि अलग से वीडियो आएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हम क्या ही बोले। इसके अंदर सारी मूवीज़ का दिखा दिया यार, मतलब पहले वाले टाइम पे। हाँ मतलब हम एक बार को माफ़ कर सकते हैं पुरानी वाली मूवीज़ को क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छा VFX नहीं होता था, बट आदि पुरुष को जनता माफ़ नहीं करेगी। So yeah, that's it for today. I hope you love this video and my reaction. So yeah, I'll meet you in my next video. Take care, guys, and bye.